सात तारीख से लेकर 17 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी इसको सेवा दिन के रूप में भी मना रही है। आज पूरे देश के 130 करोड़ लोग मोदी जी के दीर्घायुष के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको अभिनंदन देते हैं। मैं भी आप सबके साथ मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी दीर्घायुष हो और देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने में सफल हो। मित्रों, आज विश्वकर्मा दिन भी है। देश और दुनिया के सभी श्रमिक, सभी कारीगर विश्वकर्मा को मानते हैं और भगवान विश्वकर्मा की जयंती के दिन ही उनकी आराधना करते हैं। मैं इसलिए देश भर के सभी लोगों को विश्वकर्मा दिन की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज के दिन ही निजाम की चुंगल से हमारा एक तेलंगाना स्वतंत्र हुआ था। आज के दिन ही सरदार पटेल का प्रख्यात पोलिस एक्शन और पोलो मिशन आज के दिन ही समाप्त हुआ था और पूरे देश को आजादी मिलने के 13 दिन बाद हमारे तेलंगाना को आजादी मिली थी, 13 महीने बाद। और आज मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उचित ही निर्णय किया है कि जब भी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 2024 की बात कर रहा हूं मैं, 2024 में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है।